बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं राशिद इन्फो टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद राशिद। नाजरीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेके आए हैं। वो ये है कि एक शख्स ने इमाम मेहंदी होने का दावा किया है। जुमा के खुतबा के दौरान एक गैर मुतवक्के शख्स जो कि इमाम काबा के पास गया और वो वहाँ पे जुमा पढ़ा रहे थे, तो उसने जोर जबरदस्ती की बिना पे मिंबर पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वो मिंबर के पास गया तो वहाँ पे जो अहलकार खड़े थे, जो मक्का मुकरमा की सिक्योरिटी थी, तो उसने उस शख्स को दबोच लिया और उसको हिरासत में ले लिया। सबसे पहले उसका मुआयना किया गया कि आया कि इसका जहनी तवाजुन दुरुस्त है कि नहीं। उस शख्स की उम्र 40 साल है। जब उससे सारी तहकीक की गई कि आपने इतना बड़ा संगीन जुर्म क्यों किया है, तो बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया। उसने कहा कि मैं इमाम मेहंदी हूँ। नाजरीन, आपके वीडियो देखें, बाकी पूरी तफसील हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि इस शख्स ने ये ऐसा क्यों किया है, अगर इसके पीछे कौन सी ऐसी एजेंसी है, इसके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो इसे काम करवा रहे हैं। नाउस बिल्ला, ये एक क्यामत की निशानियों में से एक निशानी है। क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि लोग इमाम मेहंदी होने का दावा करेंगे। और ये शख्स ने हमें बता दिया है कि उन निशानियों में से इस शख्स ने एक निशानी पूरी की है। तो नाज़रीन, आप ये वीडियो देखें और मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इस शख्स ने ये काम किया है। आया कि हमारे इस्लाम में इसके मुतल्लिक क्या राय है, इसने काम ठीक किया है या गलत किया है, तो हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और वो तमाम नाज़रीन जो हमें इस चैनल पर नए देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आप लोगों के लिए बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।